हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान के ध्वनि यानी साउंड चैप्टर को कवर करेंगे और इनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बनते हैं उनको देखेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज का पहला पॉइंट है ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्ध्य तरंगे दूसरा पॉइंट आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगे तीन प्रकार की होती है श्रव्य तरंगे अश्रव्य तरंगे प्रश्रभ्य तरंगे तीसरा पॉइंट बीस हर्ज से बीस हजार हर्ज वाली तरंगे कहलाती हैं श्रव्य तरंगे यानी ऑडिबल वेब्स अगला पॉइंट श्रव्यता की सीमा है बीस हर्ज से बीस हजार हर्ज तक अगला पॉइंट है बीस हर्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को कहते हैं अवश्रव्य तरंगे यानी इंफ्रासोनिक वेब्स अगला पॉइंट बीस हजार हर्ट से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें कहलाती है प्राश्रव्य तरंगें यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स व्याख्या मनुष्य सिर्फ श्रव्य तरंगें सुन सकता है जबकि कुछ जानवर जैसे कुत्ता बिल्ली चमगादड़ आदि प्राश्रव्य तरंगें सुन सकते हैं इसको देख लीजिएगा एग्जाम में पूछे जाते हैं अगला पॉइंट है प्राश्रव्य तरंगों के उपयोग हैं संकेत भेजने समुद्र की गहराई ज्ञात करने, गठिया रोग में एवं मस्तिष्क का ट्यूमर पता करने में अगला पॉइंट है। सोनार में कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है तरंगे। तो दोस्तों सोनार का डेफिनेशन भी पूछ दिया जाता है एग्जाम में तो सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग चलिए अगला पॉइंट है देखते हैं किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर करती है माध्यम की प्रत्यास्तता यानी इलास्टिसिटी एवं घनत्व यानी डेंसिटी पर अगला पॉइंट है जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग धैर्य बदल जाती है जबकि आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है अगला पॉइंट है विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल होती है भिन्न भिन्न अगला पॉइंट है एक पूर्णता दृढ़ क्षण में ध्वनि वेग होगा अनंत ध्वनि की चाल का मान सबसे अधिक होता है ठोस में ध्वनि का गमन नहीं होता है निर्वात में हल्की गैस में ध्वनि की चाल भारी गैस से अधिक होती है आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है कम घनत्व के कारण अगला पॉइंट है माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल का मान बढ़ जाता है वायु में एक डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल जीरो दशमलव छः एक मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है अगला पॉइंट दाब के मान में वृद्धि या कमी होने पर गैस में ध्वनि की चाल का मान अपरिवर्तित रहता है अगला पॉइंट वायुयान की चाल को मापा जाता है मैक संख्या में अगला पॉइंट जब किसी माध्यम में वस्तु की चाल ध्वनि की चाल के बराबर होगी तो मैक संख्या का मान एक होगा यदि वस्तु की चाल ध्वनि की चाल का दोगुना है तो मैक संख्या दो होगी प्राधावनिक यानी सुपरसोनिक यान की मैक संख्या एक से अधिक होती है यदि मैक संख्या पाँच से अधिक है तो चाल अप्राधनिक यानी हाइपरसोनिक कहलाती है